नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है वजन बढ़ाने वाले भोजन फॉर बेबीज एंड किड्स। हम माओ को ये चिंता हमेशा से ही रहता है कि मेरे बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, वो बहुत पतला है, उसका वेट कैसे बढ़ाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर हमारा जो एम है, जो फोकस है, सिर्फ इसमें ना दे कि बच्चे को मोटा बनाना है, बच्चे का वेट बढ़ाना है, बल्कि उनका जो डेली डाइट प्लान है उसमें न्यूट्रिशन भर दे, जिससे उनका जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाए, जिससे ऑटोमेटिकली उनका वेट गेन हो जाए। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 8 फूड आइटम्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसको अगर आप बच्चे का डाइट प्लान में, डाइट मील में हर रोज डालोगे तो उनका वेट गेन होगा ही होगा, 100% उनका वेट गेन होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मुझे कमेंट करके बताइए मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, जो भी लग रहे हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला आइटम है ब्रेस्ट मिल्क। पहले 6 महीने तक हमको बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क पिलाना है, तब हमको उनको पानी भी नहीं देना है। जब बच्चे का 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमको सॉलिड के साइड में ही उनको ब्रेस्ट फीड करवाते रहना है। ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे विटामिन्स होते हैं जो बच्चे के हेल्दी वेट गेन में, ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मदद करता है और बहुत सारे बीमारियों से भी ये बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखता है। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है उनका एक सर्टेन बर्थ वेट होता है, आप जब से उनको भरपूर ब्रेस्ट मिल्क देना स्टार्ट करते हो उनका वेट हर महीने 1 किलोग्राम करके बढ़ जाता है, तब आप उनको पानी भी नहीं देते हो, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में ही वो रहते हैं। तो इसे तो ये प्रूवन ही है कि ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से बच्चे का वेट, हेल्दी वेट गेन अच्छी तरीके से होता है। नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर पे आता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में मैं 2 फलों का नाम बोलूंगी, एक है बनाना, दूसरा है मैंगो। इन दोनों फलों से ही बच्चे का बहुत अच्छे से वेट गेन होता है। बनाना में विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो बच्चे का हेल्दी वेट गेन में बहुत मदद करता है। बनाना हाई इन एनर्जी है, हाई इन कैलोरी है, जो अगेन बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। आप 6 महीने से ही बच्चे को बनाना देना स्टार्ट कर सकते हो। पहले आप प्यूरी फॉर्म में दो, फिर आप स्लाइसेस काट के बच्चे को दीजिए, स्मूदी बना दीजिए, पैनकेक्स में बनाना डाल के दीजिए, मतलब कुछ भी कीजिए, हर रोज बच्चे के डाइट में बनाना को इंक्लूड कीजिए ही कीजिए, इससे उनका बहुत अच्छा वेट गेन होता है। अभी एक सोच है दोस्तों कि विंटर में हम बनाना नहीं दे सकते हैं, सर्दी लग जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, बनाना से सर्दी नहीं लगता है। तो आप विंटर में भी बच्चे को हर रोज इजीली बनाना दे सकते हो। नेक्स्ट है मैंगो। तो मैंगो में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में है, तो अगेन ये भी बच्चे का हेल्दी वेट गेन में बहुत मदद करता है। पर एक ही परेशानी है कि मैंगो आपको हर सीजन में नहीं मिलेगा, लेकिन बनाना आपको हर सीजन में मिलेगा। तो आप ये दोनों फलों को बच्चे के डाइट में इंक्लूड कीजिए, बच्चे का हेल्दी वेट गेन होगा ही होगा। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल में मैं 3 वेजिटेबल्स का नाम लूंगी, एक है पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पम्पकिन। ये तीनों में ही अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है, जो बच्चे के हेल्दी वेट गेन में बहुत मदद करता है, स्पेशली स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में फोलेट, विटामिन ए, ये एक हाई सोर्स ऑफ विटामिन ई भी है, तो इसको आप बच्चे के डाइट में इंक्लूड कीजिए। आप स्वीट पोटैटो का शीरा बना के बच्चे को दे सकते हो, आप खिचड़ी में डाल के बच्चे को दे सकते हो, आप कद्दू को जब बच्चा एकदम छोटा 6 महीने का है तब आप इसको उबाल के प्यूरी बना के बच्चे को खिला सकते हो। ये थोड़ा सा स्वीट है, तो बच्चे का जब आप खिचड़ी बनाओगे तब आप स्वीट पोटैटो एंड कद्दू को डालो ही डालो, क्योंकि 1 साल तक उनके खाने में नमक और चीनी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ये स्वीट वेजिटेबल्स अगर डालोगे तो उनका खिचड़ी में थोड़ा सा टेस्ट आएगा, उनको खाने में भी अच्छा लगेगा। आलू के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फ्रेंच फ्राइज बना के बच्चे को दे सकते हो। आप आलू को उबाल के थोड़ा सा मैश करके उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च मिलाकर बच्चे को दे सकते हो। आप किसी भी कड़ी बना रहे हो तब आप आलू को डाल सकते हो। मतलब डाइट में आप ये तीनों वेजिटेबल्स को हर रोज़ डालिए, बच्चे का वेट गेन होगा। अभी नेक्स्ट नंबर पे आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में 2 प्रोडक्ट है, एक है काउज मिल्क एंड दूसरा है योगर्ट। ये दोनों ही बच्चे के वेट गेन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, स्पेशली योगर्ट। आप योगर्ट को घर पे ही बनाइए, क्योंकि बाहर का जो मिलेगा उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आप घर पे ही दही जमाइए, बच्चे को हर रोज़ दीजिए
एक कटोरी दही, इसे एकदम ये प्रूवन है कि इससे बच्चे का वेट गेन होता ही होता है। इसमें हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसमें गुड बैक्टीरिया है जो गेन बच्चे के पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन विंटर में आप 10 से 1 बजे के अंदर ही बच्चे को दही दीजिए, उससे लेट मत कीजिए, क्योंकि दही बहुत ठंडा है तो विंटर में उनको ठंड लग जाएगी। अभी दही का आप, अगर बच्चा सिर्फ दही नहीं ले रहा है तो आप दही का स्मूदी बना के उनको दे सकते हो, दही में कोई भी फ्रूट का प्यूरी बना के उसमें मिला के आप बच्चे को दे सकते हो, या तो फिर थोड़ा सा हनी मिला के भी डायरेक्ट बच्चे को दे सकते हो। हर बच्चे को दही बहुत ज्यादा पसंद आता है। और नेक्स्ट जो है वो है काउज मिल्क। और एक बात, दही को आपको फुल फैट मिल्क से ही बनाना है, स्किम मिल्क से आप दही को मत बनाइएगा, स्पेशली बच्चे के लिए। नेक्स्ट है काउज मिल्क। तो काउज मिल्क में भी बहुत अच्छा फैट होता है, पर आपको गाय का दूध 1 साल के बाद ही स्टार्ट करना है, उससे पहले आपको नहीं देना है। अभी एक्सेसिव क्वांटिटी में भी आप गाय का दूध बच्चे को नहीं दे सकते हो, उससे आयरन की कमी हो सकता है बच्चे के अंदर, और बच्चे का दूसरे खाने के प्रति जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो सकता है। और हमेशा जो गाय का दूध है उसको मलाई के समेत बच्चे को दीजिए। अगर बच्चा मलाई नहीं लेता है तो बच्चे को मलाई को ब्लेंड करके बच्चे को दीजिए, लेकिन मलाई को छान के वो दूध आप कभी भी बच्चे को मत दीजिए। काउ मिल्क आप ऐसे ही दे सकते हो, थोड़ा सा चीनी मिला के या हनी मिला के, या तो फिर थोड़ा सा हल्दी मिला के हनी मिला के दे सकते हो, ये कोल्ड कप में बहुत अच्छा होता है। वो भी अगर बच्चा नहीं ले रहा है तो आप खीर में डाल के दीजिए, आप कॉर्नफ्लेक्स में डाल के दीजिए, आप दूध रोटी की फॉर्म में बच्चे को दीजिए, आप स्मूदी बना के दीजिए, मिल्क शेक बना के दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कोई भी फॉर्म में आप डेयरी प्रोडक्ट इन दोनों को बच्चे के डाइट में हर रोज दीजिए ही दीजिए। नेक्स्ट है एग्स। तो आप सभी को पता ही होगा कि अंडा में कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, स्पेशली जो वाइट पार्ट होता है अंडे का उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन आप बच्चे को 8 महीने से ही अंडा दे सकते हो, लेकिन 1 साल के बाद ही आप थोड़ा थोड़ा करके वाइट पार्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए। 8 महीने का जब बच्चा है तब आप उसको सिर्फ अंडे का जो येलो पार्ट है, मतलब एग योक है, वही बच्चे को दीजिए। 1 साल के बाद थोड़ा थोड़ा दीजिए, और 14-15 महीने का जब बच्चा हो जाएगा तब आप हर रोज एक अंडा बच्चे के खाने में, बच्चे के डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है तो बच्चे का इससे वेट गेन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट है चिकन। चिकन में भी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। चिकन में जो प्रोटीन है उससे बच्चे का मांस बनता है, तो बच्चे के लिए चिकन का प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को वीक में 2 से 3 बार इजीली चिकन दे सकते हो। अभी तो विंटर का टाइम है तो बच्चे को थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए होता है, तो चिकन से बच्चे को गर्मी भी मिलता है, तो इसलिए आप वीक में 2-3 बार इजीली बच्चे को चिकन दीजिए। आप 8 महीने से ही बच्चे को चिकन देना स्टार्ट कर सकते हो, एंड चिकन का आप सूप बना के बच्चे को दे सकते हो, चिकन करी दे सकते हो, चिकन करी के साथ आप राइस दे दो, चिकन करी के साथ आप रोटी दे दो, तो ऐसे वैरायटी में आप चिकन बच्चे को सर्व कीजिए, उनके डाइट में इंक्लूड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है पल्सेस, मतलब दाल। हर रोज बच्चे के डाइट में आपको एक कटोरी दाल को रखना ही रखना है, ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बच्चा जब 6 महीने का हो जाएगा तब से ही आप मूंग दाल की खिचड़ी, मूंग दाल का पानी, मूंग दाल का सूप, ये सब बना के बच्चे को दे सकते हो। बच्चा जब 8 महीने का हो जाएगा तब आप मसूर दाल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तब आप सभी दालों को बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दो। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो बच्चे के हेल्दी वेट गेन में बहुत मदद करता है। ये तो हो गए वो 8 फूड आइटम्स जिनको आपको हर रोज बच्चे के खाने में इंक्लूड करना है, जिससे उनको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा, उनका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा, और उससे उनका हेल्दी वेट गेन भी 100% होगा ही होगा। अभी देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके खाने में आप हर रोज ये सारी चीजों को इंक्लूड कर रहे हो फिर भी उनका वेट गेन नहीं हो रहा है, वो अच्छे से खा रहे हैं फिर भी उनका वेट गेन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका 2 रीजन हो सकता है। एक तो रीजन है पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स अंडर वेट है, या तो फिर जब वो छोटे थे तब वो अंडरवेट थे, जिसका सेम बॉडी फीचर बच्चा भी शेयर कर रहा है तब वो अंडरवेट हो सकते हैं। और दूसरा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है वेट गेनिंग में। जब तक आपका बच्चा एक्टिव है, वो दौड़ रहा है, खेल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और वो एज के अकॉर्डिंग हर एक माइलस्टोन को टच कर रहा है, मतलब चलना, बोलना, दौड़ना, ये सब कर रहा है, तब तक आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेट थोड़ा सा कम ज़्यादा अगर है भी तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।